वहीं बीते दिन दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पूरे देश में आयोजित होने वाला है। इसे लेकर राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि राजनांदगांव में 26 अप्रैल को चुनाव है। 28 मार्च से 4 अप्रैल तक नामांकन का फॉर्म भरा जाएगा और 5 अप्रैल को भरे हुए नामांकन फॉर्म की जांच होगी और 8 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी और 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। और ये जो इलेक्शन हो गया उसमें 28 मार्च को नामिनेशन पेपर लेने का काम चालू होगा, 4 अप्रैल तक हमारा नामिनेशन पेपर लेने की लास्ट डेट रहेगी, 5 तारीख को स्क्रूटनी रहेगी और 8 अप्रैल को नामिनेशन पेपर लेने का विड्रॉल करने का वो रहेगा। अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉल करना है 26 अप्रैल को पोल होना है यहाँ पे और 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होंगे, काउंटिंग होगी और इलेक्शन के रिजल्ट। जैसा हम सब लोगों ने ये भी सुना है कि आचार संहिता आज से ही लागू हो गई, ऐसी चीजें जो 24 घंटे के अंदर हमें आचार संहिता के तहत पालन करना है, कुछ चीजें 48 घंटे के अंदर पालन करना है, कुछ चीजें 72 घंटे के अंदर पालन करना है, तो उसका पालन किया जाएगा। आज क्योंकि आज से आचार संहिता लागू हो गया है तो बहुत सारे कुछ ऐसे आदेश हैं जिसका हमें आज लागू किया जाना है, वो आज लागू कर रहे हैं। तो इसके तहत विभिन्न प्रकार के जो भी सभा है, जुलूस है या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग है वो रेगुलेट हो जाएगी, अनुमति लेकर